आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरे ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप, पेमेंट कैसे करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन से वेबसाइट से पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होगा, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर, वहीं पर आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में बताएंगे। और पूर्णिया यूनिवर्सिटी की पल पल के अपडेट के लिए चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल का आइकन में ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। फाइनली पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट हो गया है। सबसे पहले इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको गूगल पे आना है, टाइप करना है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट 3 फॉर्म फिलअप, लास्ट में आपको स्टडी एग्जाम 399 जरूर लगाना। सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म फिलअप सेशन 2018 से 21 वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, मोबाइल से या लैपटॉप से कुछ भी कीजिएगा। इस तरह से आने के बाद डायरेक्ट आपको नीचे आना है, इंपोर्टेंट लिंक वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट 3 एग्जाम फॉर्म फिलअप लिंक जारी कर दिया गया। क्लिक हेयर पर क्लिक करना, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो फॉरगेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नीचे आपको अपना रोल नंबर, फिर इंस्टीट्यूट का जो भी नाम है आप अपने अनुसार से सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, सिंपली लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके पास इंटरफेस देखने को मिलेगा, चाहे मोबाइल से कीजिए या लैपटॉप से कीजिए। सबसे पहले आपको देखिए साइड में देखने को मिलेगा डैशबोर्ड, यहाँ पर आपका बैक पेपर नहीं होगा, सिंपली रेगुलर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर सिलेबस में आपको 2020 सेलेक्ट करना है, बैच में सेशन 2018 से 21 सेलेक्ट करना है, सेशन आपका 20 से 21 हो गया, कोर्स में बीए सेलेक्ट करना, जो भी है बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, यहाँ पर तीनों स्टूडेंट के लिए हम अच्छे से डिटेल में बता रहे हैं, जो भी आ रहा है यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर जो भी ऑनर्स पेपर होगा सेलेक्ट कीजिए, फिर आपको यहाँ पर ईयर देखने को मिलेगा, तो थर्ड ईयर है, यहाँ पर टेम्पलेट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर और सेशन 2020 से 21, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म का, देख सकते हैं कितना चार्ज लगेगा, लेट फाइन के साथ कितना लगेगा, टोटल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज नेम, प्रीवियस रोल नंबर देख सकते हैं, उसके बाद ईयर यहाँ सेलेक्ट रहेगा, ये सारा चीज आपका सेलेक्ट रहेगा। डायरेक्ट आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है स्टूडेंट का, जो भी फोटो है आप अपना या स्टूडेंट का, कैफे वाले हैं तो स्टूडेंट का कीजिए, खुद से कर रहे हैं तो आप अपना कर लीजिए फोटो एंड सिग्नेचर, वो भी 2 MB से नीचे का फोटो होना चाहिए। बहुत सारा YouTube पर वीडियो मिल जाएगा कैसे फोटो का साइज कम करते हैं, जाकर देख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर फोटो जैसे ही और सिग्नेचर अपलोड किए ग्रीन हो गया और यहाँ पर देख सकते हैं टिक लग गया, यानी कि आपका फोटो जो अपलोड किया 100% सही है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको जो डायरेक्ट फोन नंबर अपलोड करना है, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर सारा चीज ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, सिर्फ यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे, उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिंपली क्या करना है इस पर क्लिक करना है, इंडियन सेलेक्ट करना, रिलीजन में आना है, जो भी जाति से आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आपको जनरल सेलेक्ट करना, कैटेगरी में जो भी है आप अपने अनुसार से सेलेक्ट करते, ईबीसी जनरल, पीडब्ल्यूडी, एसटी, एससी जो आप अपने अनुसार से सेलेक्ट कीजिए, मीडियम में हिंदी या इंग्लिश जो भी है आपका मीडियम अपने अनुसार से सेलेक्ट करना। यहां पर एड्रेस, यहां पर ईमेल आईडी डालना और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर जो अगर आप दिव्यांग हैं तो यस कीजिए, यस करने के बाद उनका सारा डिटेल्स फिलअप करना हो सिंपली आपको नो कर देना, अगर नहीं है तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। यहां पर सब्जेक्ट डिटेल, बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले बार जो पार्ट 2 का फॉर्म भरते समय सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा गलती हो गया था, इस बार जो आप लोगों को सब्जेक्ट भरते समय काफी ज्यादा ध्यान रखकर ही फॉर्म को फिलअप करना। यहां तक वीडियो देख लें तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार विजिट किए और पुणे यूनिवर्सिटी की पल-पल अपडेट जानना चाहते हैं रोजाना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों का देखते हैं वीडियो तो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सब्जेक्ट डिटेल्स के बारे में जानते हैं। यहां पर सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इस बार जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी फिलअप करके देगा। जी हां फ्रेंड्स, आपको बता दें जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ऑटोमेटिकली ही फिलअप रहेगा, इसमें कोई भी सुधार या चेंज आपका नहीं होगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना है सब्जेक्ट डिटेल्स में, नीचे आना एग्जामिनेशन डिटेल्स, प्रीवियस एग्जामिनेशन यानी कि पार्ट 2 का आपको सारा डिटेल्स यहां पर फिलअप करना, ईयर सेलेक्ट करना, जो भी आपका पार्ट 2 का था, रोल नंबर, कितना मार्क्स लाए थे, उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया कि आप अप्लाई किए थे रीचेकिंग के लिए। अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई किए थे यानी कि स्क्रूटनी के लिए, तो सिंपली यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद उनका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना है, अन्यथा आप डायरेक्ट नो कर सकते हैं। नो करने के बाद सिंपली आपको सेव करना। तो चलिए सारा डिटेल्स फिलअप करते हैं और सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फाइनली यहाँ पर सारा डिटेल्स फिलअप कर दिए और सिंपली आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। एग्जामिनेशन डिटेल्स में आपको पार्ट 2 ईयर में जो आपका पार्ट 2 का ईयर था 2020, रोल नंबर डालना है, मार्क्स जितना पार्ट 2 में लाए थे। सेव वाले जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डे नहीं लिया है इसीलिए एरर आ गया, चलिए डेट ऑफ बर्थ डे फिलअप करते हैं। फाइनली यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डे फिलअप करने के बाद सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक किए, इस तरह से आपको एक
ऑप्शन एक पॉपअप देखने को मिलेगा, यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव, अगर आप सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर टिक लग जाएगा और यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। पेमेंट देख सकते हैं इस स्टूडेंट का 1400 रुपया लग रहा है। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपको इस वीडियो में पेमेंट करके भी दिखाएंगे तो आप लाइव देखिएगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा, उसके बाद सर्च लेगा, सर्च लेने के बाद यहाँ पर आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगता है। आप पेमेंट जो है पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, जिससे भी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर यूपीआई आईडी, उसके बाद ऑटोमेटिकली जिसका भी यूपीआई डालेंगे उसका नाम आ जाएगा और सिंपली आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। अगर आप लोग डेबिट कार्ड से करते हैं, एटीएम से करते हैं, तो सिंपली एटीएम कार्ड, एटीएम का एक्सपायरी डेट नंबर, सीसीवी नंबर, एटीएम का जो कार्ड होल्डर नेम है, बैंक का नाम डालकर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पेमेंट करके भी। फाइनली यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिए, जैसे ही क्लिक किया आपका जो जो भी यूपीआई डाले होंगे उसमें जाकर एक पॉपअप आया होगा पे नाउ का, तो सिंपली वहां से पे नाउ कीजिएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। तो फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुली, ट्रांजेक्शन आईडी मिल गया, यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल रिसीविंग खुलकर आ गया, इस तरह से रिसीविंग खुल गया। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं 2020 से 21, यहाँ पर पार्ट थ्री का। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट भी हो गया है। आपको इसका एप्लीकेशन को क्या करना है, इस रिसीविंग को क्या करना, निकालना है प्रिंट आउट और अपने कॉलेज में जाकर सिंपली जमा कर देना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन फॉर्म घर बैठे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आपको जो है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फिलअप कर सकते। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो संबंधित पार्ट थ्री का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने संबंधित कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।